हे गाइस, वेलकम बैक टू आर गेमिंग चैनल। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं सीधा गेम को अपना। कल परसों नहीं आ पाया था, लेकिन कल आज तो आ गया, कल आ गया था वीडियो शायद। तो यहाँ पे हम अपना बोगीमैन को थोड़ा अंडर रख ले, क्योंकि हम लोग चलेंगे अभी वाइल्ड एरिया में, थोड़ा सा वाइल्ड पोकेमॉन कैच करेंगे। जिगांटामैक्स वाला वो नहीं कहा था कि यार डबल बैच जीत लोगे, दो बैच तो आना मेरे पास। तो चलो चलते हम लोग वहीं पर सीधा फास्ट फॉरवर्ड से देखते हैं यहाँ पे किधर था वो वाला। ये ना इधर ही साइड ना, हाँ इधर ही तो कह रहा था जहाँ पे कि डबल बैच जीत लोगे, दो बैच तो आ जाना। यहीं पे था, तो अपना देखते हैं यहाँ पे वाइल्ड पोकेमॉन आ रहा है। अरे यार, ये तो एक राइडॉन है। राइडॉन अच्छा खासा हमको एक्सपीरियंस दे देगा। तुम बेली से इसको हरा देते, ज़रा एक्सपीरियंस गेन करना थोड़ा ज़रूरी है। कि कबू से या लड़ेंगे तो एक्सपीरियंस का ज़रूरत पड़ेगा, कि बिना एक्सपीरियंस के कबू को हराना मुश्किल है। हारा नहीं आइस बीम से, तो अब हम सीधा मैक्स की इधर करते हैं। आइस बीम जैसा वार यार ये सर्वाइव कर गया। ग्राउडन सही में स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे क्या है, तीन गो लगता है, डेन है। तो यार हम सोच रहे हैं यहाँ पर सेफ करके यार सबको हराएंगे, बिना सेफ किए लड़ना बेकार रहा। चलो देखते हैं। हम रॉक को आगे कर लेंगे अब। तो यहाँ पे कौन है पहला, देखते हैं पहला। एक मिनट, ये क्या बेलीफ है यार, ये कमाल हो गया, बेलीफ है ये तो। हम अपना सेट को आगे कर लेते हैं इसको हराने के लिए। जिगांटामैक्स है ये, जिगांटामैक्स नहीं तो नॉर्मल बेली जैसे नहीं रहता है कहे तो। हाँ, जिगांटामैक्स या नॉर्मल। तो इसको ये क्या मैजिकल लीफ कर रहा है, तो हम फ्लेम चार्ज। इसको हराना थोड़ा सा हमको लग रहा मुश्किल होगा, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा फायर टाइप है यार ये, तो तभी भी हमको अच्छा खासा डैमेज है। अच्छा, इसका लेवल 34 है, मेरा 24, ये हमसे 10 लेवल आ गया है, तो इसलिए ना इसका इफेक्टिव इतना ज़्यादा लग रहा है हमको। हाँ, देखते ये फ्लेम चार्ज से कम से कम हार, चलो हार तो गया। अब हमको इसको कैच करना है, तो यहाँ से पहले तुम यार इसको क्या इसको कहा जाता मास्टर बॉल से। 29 का हो गया। तो मास्टर बॉल से हम इसको कैच कर लेते हैं, क्या कि हम जिगांटामैक्स पोकेमॉन को कैच करने के लिए इसलिए मास्टर बॉल हम ले लिए, क्योंकि सब के ऊपर या हाइपर बॉल ये सब करते हो तो भी आप फेंट होने का चांस रहता है। चलो यहाँ पे पहले हम हील्ड अप। अरे एक मिनट, ये क्या एक मिनट, यहाँ वाटर स्टोन मिल रहा है। चलो ये वाटर स्टोन खरीद लेते हैं, क्या कि यार हमको अपना यहाँ बेली को लोटो को लूटी कोलो में इवॉल्व करना है। तो चलो पहले तो हम इवॉल्व करेंगे अपना बेली को लूटी कोलो में। कहाँ गया वाटर स्टोन, ये रहा लूटी कोलो, बेली इवॉल्व हो जाएगी। ये तो सही रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट सीन में से ये एक। लूटी कोलो मेरा वन ऑफ द फेवरेट पोकेमॉन में से, क्या हर बार यही कहते हैं कि वन ऑफ माई फेवरेट पोकेमॉन, वन ऑफ माई फेवरेट पोकेमॉन, ये पोकेमॉन वो पोकेमॉन, वन ऑफ माई फेवरेट। यार सच में यार, लूटी कोलो जैसा हैप्पी पोकेमॉन आज तक हम नहीं देखे। तो चलो यार हील अप होके आते हैं पहले यहाँ पे अपना फील्ड के पास। कुछ आइटम है एस्पर बेरी ले लेते, तब तक हम हील डॉप के आ भी जाएंगे। चलो अब यहाँ पे इस डेन में चलते हैं। ये डेन में पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन हील्ड हो गया तो आ ही गए हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ अच्छा। अरे यार, अभी तो इससे लड़के आए थे यार पिछला ही जिम में, यार यहाँ भी आ गया। मैक्स लाइटनिंग करके देखते यार, कहीं हरा ना दे हमको बस। यार हमको इससे सच में डर लगता है, ग्राउडॉन से, ग्रेडॉन या ग्राउडॉन जो भी है। लो हरा ही दिया, फिर बेली को यूज़ कर लेते हैं अब हम। मेरा बेली अच्छा फॉर्म में है। चलो कम से कम इसको हरा तो दिया, अब हम कैच कर लेंगे इसको। 29 का आ गया। यहाँ पे मैं कुछ पोकेमॉन को पहले कैच कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे, जिससे कि हमको एक्सपीरियंस भी थोड़ा मिल जाएगा। जिससे एक्सपीरियंस का हम नहीं सोच रहे लालच में है, हम यहाँ पे लालच में आए हैं सिर्फ इसका। ये तो आ गया ग्राउडॉन, रेयर कैंडी के लालच में हम आ गए हैं।
यहाँ पे रेयर कैंडी सबको हराने से मिल जाता है। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ पे। अरे अब कौन आया? टेडियर्सा। टेडियर्सा को तुम पिछले गेम में यूज़ किए हुए है, यहाँ सेव कर लेते हैं। वो गेम कौन सा तो था? हाँ, लेजेंड आरसीएस में उसका जीबीएफ वाला आया हुआ था रीमेक, फायर रेड वाला में उसको खेले हुए थे, उसमें यूज किए थे टेडियर्सा को। ये तो सिविलाय है। तो मैक्स लाइटनिंग करते हैं सीधा। ज़्यादा उतना दे नहीं रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं। चलो डी पैडलाइज कर दिया इसको। एक और बार करते हैं कि फेंट कर जाए बस। चलो ये तो फेंट हो भी गया। देखते हैं अब इसको पोकी बॉल, मास्टर बॉल कहाँ गया? मास्टर बॉल मेगा, हम क्या करें? मेगा पोकेमोन को अपना टीम में रखे, जेनेट का टीम में, कमेंट करके बताना मेगा कौन सा मेगा पोकेमोन को अपना टीम में रखे, देख के बताना तुम लोग। ये क्या है? जेंगूज। तो ये तो चाहिए नहीं हमको। चलो यहाँ पे हम डेन में भी चल के एक बार देख लेते हैं। जब इतना जगह हाईवे की है तो डेन भी चलना ही चाहिए। यहाँ पे हम सोच रहे अपना पहले ये क्या इसको कहा जाता है, मैक्स रिपेल, मैक्स 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 रिपेल, ये रहा। चलो मैक्स रिपेल यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ कौन सा, एक मिनट, ये डेन तो थोड़ा सा कॉपी लग रहा है फायर रेड वाला, रॉक गन मॉन्टू। अरे यार 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 यार, ये क्या आ गया? इसको कैच किया जाए यार पहले। चलो यार सही चीज़ मिल गया यार, घूमते घूमते में एक अच्छा पोकेमोन मिल गया। अब ये एक मिनट, बेली क्या कर रहा है मेरा टीम में? एंटीडोट यहाँ पे, ये माउंट मून का कॉपी है। अरे यार यहाँ पे तो मून स्टोन भी है कॉपी के चक्कर में। यहाँ पे इधर भी नहीं, इधर से नीचे चल के देखते हैं बगल में क्या है। बगल में हमको एक मिनट, अब कौन आया? अरे यार यहाँ पे तो कार्ड ब्लिंक भी है यार। अच्छा अच्छा पोकेमोन मिल जा रहा है यार इस यहाँ पे। तो कार्ड ब्लिंक शायद इवॉल्व करता है क्या? कमेंट करके बताना तो यार तुम लोग हमको, क्या कि हमको नहीं पता कार्ड ब्लिंक इवॉल्व करता है कि नहीं। हम तो ऐसे गूगल पे सर्च कर ही लेंगे। अभी तो हम कैच किए इसको, स्प्रिट टोम को। ये क्या? अरे यार मैक्स डार्कनेस शायद लिखा था ना, एक मिनट चेक करे तो। अरे यार मैक्स डार्कनेस मिल गया हम लोग को यहीं डेन में ही। और ऐसा ऐसा जगह पे हम लोग को घूमते रहना चाहिए, सही चीज़ मिल रहा है घूमते घूमते में। एक एरोन, एरोन तो भी हमको चाहिए नहीं, चाहिए रहता तो हम ज़रूर अपना टीम में रखते। ये क्या है? रिवाइव। ऊपर तो अभी कुछ है नहीं, एक डेन है। नीचे ये क्या है? एक स्टार पीस है। तो स्टार पीस तो नहीं, लेकिन हम लोग डेन में ज़रूर चेक करेंगे डेन को। चलो देखते हैं, यहाँ सेव कर लेते हैं। हमको तो लगता है कोई रॉक टाइप पोकेमोन ही होगा अंडर में, क्या है कि फायर टन है, रॉक या फायर ही होगा। तो देखते हैं कौन सा है। बेली तो आगे है ही। अरे यार मेगा कैमराप्ट, मेगा कैमराप्ट उसके पास भी था ना, बंटाई के पास, जो वो अबाउंड खेल रहा था तब यहाँ हम उसका देखे थे। ओ वन हिट फेंट करवा दिया यार मेगा कैमराप्ट को। हम सोच रहे अपना टीम में रखेंगे जब हम नेक्स्ट सिटी जाएंगे ना, नेक्स्ट वाला में, तब ये। अब हम इसको कैच कर लेते हैं इससे। मास्टर बॉल। चलो यार कुछ अच्छा अच्छा पोकेमोन आ गया यार अपना टीम में। रेयर कैंडी दे दिया हमको दो को। हमको यहीं पे इसलिए ये वाला गेम अच्छा लग रहा है कि यार रेयर कैंडी भी मिलते जा रहा है। एक मिनट अब कौन आया? लेवल 30 का ग्राउंड राइड ऑन। मेरा भी लेवल 30 है, बस फेंट हो जाए। चलो अभी फेंट हो गया। यहाँ पे बगल वाला में भी चल के देख लिया जाए क्या कुछ है कि नहीं। यहाँ क्या है? एक डेन है, ये दिखाता है। ये क्या बता रहा है? ये एक ये बुफलैंट मिशू स्टार। अरे यार यहाँ पे राइलू भी है। एक मिनट हम ट्राई घूम के देखते हैं राइलू मिलता है कि नहीं। बस राइलू हो, राइलू नहीं मिशू है। मिशू तो अभी हमको चाहिए नहीं,
अच्छा मिंचू नहीं मिनफू। तो यार पहले तो हम स्टारेबिया तो हमको चाहिए। हमको स्टारेबिया का वो वाला सीन याद है, यूट्यूब पे भी हम कई बार देखे हैं, जब स्टारेबिया बैटल करना चाहता था तब ऐस कहता नहीं स्टारेबिया को बैटल नहीं कराएंगे, तो स्टारेबिया अपना कॉमेडी दिखाता है। तो अभी ये वाला नहीं है मैंडी बस। कमॉन आ जाओ यार आ जाओ। यार यार हॉन्डूर को क्या करेंगे हम अभी। हो चलो यार यहाँ से चलते हैं, अब हम लोग सीधा जिम लड़ेंगे। अभी चल के जिम लड़ने से पहले तो हमको जिम का शायद कोई टास्क ना कंप्लीट करना पड़ता है। ये क्या होटल बीडू जाना पड़ेगा हमको, वहाँ पे कोई है लगता है। होटल बीडूम तो यही ना है जो बगल वाला, जहाँ पे वो रक्षक का जो यहाँ स्टैचू था। ये क्या मारनी भी लड़ेगी हमसे। चलो अच्छा है, कुछ अच्छा हो जा रहा है, लड़ेगी तो अच्छा ही लगेगा हमको भी। क्रोगंक है इसके पास, हमको लगा था कि इसके पास तो डार्क टाइप पोकेमॉन होता है। फ्लेम चार्ज करते हैं, मेरा से 27 का है तो जीतने का चांस मेरा ज़्यादा रहेगा। मड शॉट यार इसके पास तो वो अच्छा खासा डैमेज नहीं दिया हमको, हमको लगा क्या मेरा फेंट कर सकता है। फ्लेम चार्ज एक और बार देखते हैं, बच रहा है, क्विक अटैक करेंगे हम तो सीधा अभी। चलो क्रोगम तो हार गया, अगला इसका कौन सा है, एक स्क्रैगी है तो हम पल्क करते हैं। डैमेज नहीं दिया उतना, जबकि स्क्रैगी फाइटिंग टाइप पोकेमोन है। अरे यार ये क्या कर रहा है, अभी डैमेज दिया थोड़ा सा अच्छा। हाँ थोड़ा सा अच्छा अभी भी दिया। लोकिक से तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक और बार पल्क करते हैं। एक मारपीको है तो हम सीधा ओवरग्रो करते हैं, इसका 1 हिट फेंट हो जाएगा। चलो ये तो गया। ये हमको क्या दे रही है, ये हमको कबू का कार्ड दे रही है। अच्छा कबू अपना कार्ड देना भूल गया था तो ये दे गया, बर्न हील दे रही है। अच्छा बर्न हील से याद आया, अब हमको याद आया क्या इसको कहा जाता है। अरे क्या इसको कहा जाता है कि, और यहाँ पे जो तुम लोग को तो याद ही होगा, हमको अभी याद आया है कि हमको इसका पजल सॉल्व करना है। यहाँ पे हमको ये पकड़ना है अलोरियन मैरोवैक। हाँ देखते हैं। अरे यार ये लड़ेगा क्या, हमको नहीं पता था कि ये लड़ता है। पिछला जब हम खेल रहे थे तब ये सब नहीं लड़ रहा था सेट, तो हमको यार पोकेमॉन अपना चेंज कर लेना चाहिए। कहाँ गया बेली। अच्छा फ्लेम व्हील से तो ज़्यादा डैमेज नहीं दिया, हमको लगा कि ज़्यादा दे सकता था, इससे भी नहीं दिया। स्टोनिस भी इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं। अच्छा हाँ इसमें बग टाइप में है, मैक गीजर करते हैं। चलो मैक गीजर से तो हार गया तुरंत में ही। अलोलन अब आया क्या, हाँ आ गया। 21 लेवल का है मैरोवैक। हो तो देखते यार इसको कैच करते हैं मास्टर बॉल से। चलो 100% कैच रेट रहता है मास्टर बॉल का, तो यार कैच हो भी गया। इसके पास शायद कार्ड की रहता है, हाँ कार्ड की है तो कार्ड की से ले लेते हैं। क्या क्या हमको भी कबू से लड़ना है तो कार्ड की चाहिए, ये लड़की ले लेगी कार्ड की। चलो हमको जाने दे रही है, पहले तो हम यहाँ पर अपना सेव कर लेंगे गेम। चलो यहाँ पर सेव तो हो गया, अब चलते कबू से लड़ने। लेकिन पहले तो यार बेली को आगे कर लेंगे, बेली सही रहेगा आगे रहेगा तो। चलो कबू को अब हराया जाए। क्या कह रहा है ये, जो भी रहे लेकिन इसको हराने में हमको ज़्यादा मज़ा आएगा। दो एपिसोड में दो जिम कवर हो गया, वाओ। चलो अच्छा है, नाइन टेल है तो मैक्स गीजर। यार ये तो हमको कंफ्यूज कर दिया, बैक कोई बात नहीं। एक और बार हम कोशिश करते हैं मैक्स गीजर का। नेस्टी प्लॉट से अपना एक्सपीरियंस या एक्स अटैक बढ़ा ले रहा है। चलो 1 हिट फेंट तो कर दिया। अगला कौन सा है इसका, अरे यार ये तो वो है ना सिजली पीट का एवोल्यूशन जो FFG वाला, इसका नाम सालसा रखा था। मैक्स फ्लेयर से ये हम ही को हरा दिया। बेली को चुने क्या कि इसको रॉक सेट काम आएगा, क्या कि रॉक के पास जैगेंटा मैक्स लाइटनिंग है तो इसको पैरालाइज कर देगा।
ये सही रहेगा कि पैडलाइज करते हैं, फिर हम बेली को चुन के इसको फील्ड करवाते हैं। चलो ये तो हो गया। अरे यार ये मैक्स फ्लेयर कैसे कर रहा है, पैडलाइज हो जाना चाहिए था ना अच्छा से। कोई बात नहीं, इसको मैक्स गीजर अभी कर देता है सुपर पोशन। यार ये काफ़ी तेज है यार कबू, हमको लगा था कि कबू उतना ज़्यादा दिमाग से नहीं खेलता है, लेकिन काफ़ी अच्छा खेलता है कबू। चलो अभी तो हार गया कबू का। ये अगला कौन सा इसका, आर्केनाइन 25 लेवल का है, मेरा 31 का है, तो कोई बात नहीं देखते हैं। एक्सट्रीम स्पीड, ये काफ़ी डैमेज दे सकता है। हाँ दिया भी, उतना नहीं दिया लेकिन जितना देना चाहिए था लेकिन दिया। चलो कबू को तो हरा दिए, काफ़ी मुश्किल रहा इसको हराना। जो भी रहे हमको तो यहाँ से मैक्स लेयर ले लेना है इससे, GM17 मैक्स लेयर। अब क्या इससे हम क्या फिर से बात कर रहे थे क्या, छोड़ो जो भी रहे यहाँ पे। अब हम सोच रहे आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, तो मिलते हैं अगला वीडियो में। सी यू, टाटा, सायो नारा।